येस हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा एक दो मिनट जो है हम आज लेट हैं ठीक है तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट और क्लास को स्टार्ट करते हैं यार लेट हैं तो फिर उसको भरपाई किया जाएगा जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन तो गाइज़ आज थर्सडे है टुडे इज़ फिफ्टीन ऑफ दिसम्बर तो आज पंद्रह दिसम्बर है और कल है सोलह दिसम्बर तो जितने लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि कल बहुत बहुत इम्पॉटेंट डे है कल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और इस विजय दिवस हम कुछ बहुत अच्छा आपके लिए लेकर आने वाले हैं और ये हम लेकर आने वाले हैं डिफेंस अंडर ट्वेंटी फ़ोर सेवन पर तो आप में से जितने भी लोग कल ग्यारह बजे थोड़े फ्री हैं वो प्लीज़ आ जाइएगा डिफेंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पर और जो लोग फ्री नहीं हैं वो अपने ज़िंदगी के बहुत इम्पॉटेंट टाइम में से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर आ जाएगा डिफेंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर क्योंकि कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है आपको बहुत पसंद आएगा बॉर्डर मूवी बनी थी है ना लोंगोवाल की लड़ाई पे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कौन थे अच्छा अगर मान लो कि बहुत सारे लोग आप पे पत्थरबाजी कर रहे हैं और आप आर्मी में हैं और आपको एक जगह पे आपको पता है कि कभी कभी कुछ जो बहुत ही टेंस एरिया होते हैं वहाँ पे आर्मी ही वोटिंग करवाती है राइट तो वोटिंग करवानी है और सारे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं कोई आपकी बात नहीं सुन रहा और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपको वोटिंग करवानी है तो क्या करेंगे आप हुँ? तो इस टाइप का जितना भी इस टाइप के जितने भी बहुत ही स्टोरीज हैं मतलब इट इज नॉट वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी ये नहीं बोलूंगी इंस्पायर्ड तो सबको ही होता है फौज से बहुत इफेक्टिव इंटेलिजेंस वाले स्टोरी क्योंकि जो आप जब जाते हैं डिफेंस में तो आपसे क्या मांगा जाता है कि आप में रीजनिंग एबिलिटी हो आप में अफेक्टिव इंटेलिजेंस हो आप में स्ट्रेंथ हो आप में कॉन्फिडेंस हो आप में स्टेमिना हो इंडरेंस हो पेशेंस हो तो पंद्रह ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है और इन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को कब पता चलता है मालूम मेरे को लगता है मेरे पंद्रह ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है तो कब पता चलता है कि पंद्रह ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है जब आप एक पैनिक सिचुएशन में आते हैं और पैनिक सिचुएशन में आप कोई बहुत सुपरमैन जैसे बिहेव नहीं करते हैं जब सारे लोग पैनिक्ड हैं, तो आप एक एवरेज पर्सन की तरह बिहेव करते हैं वो होता है आपका ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी कि ठीक है रिसोर्सेज की कमी है लास्ट मोमेंट है सब कुछ ऊपर नीचे है अब क्या करेंगे तो इस टाइप के सिचुएशंस अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो ज़रूर एक बार डिफ़ेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा सी डी एस ऑफ दिसंबर को निकलेगा और फर्स्ट दिसंबर को एफ कैट की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ये दो एग्ज़ाम सबसे बड़े एग्ज़ाम्स हैं अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर और हाइस्ट कमीशन में और बहाली नहीं होती है तो अगर आप डिफ़ेंस में जाना चाहते हैं एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये दोनों एग्जाम को आप जरूर दीजिएगा ठीक है मेरा तो मानना है कि क्योंकि देखो सारे ग्रेजुएट दे सकते हैं सी तो और बहुत ईजिली सारे ग्रेजुएट दे सकते हैं क्योंकि बस आपने क्या करना है कि आप अपियरिंग कैंडिडेट हो या फिर आपने कोई भी कोर्स किया हो ग्रेजुएशन का ठीक है और पच्चीस साल तक और जो एफकेट का एग्जाम है वो आपको जो साठ परसेंट लाए हैं ग्रेजुएशन में वो दे सकते हैं तो ये दोनों एग्जाम दीजिएगा है ना और देखते हैं कि आप लोग का अफेक्टिव इंटेलिजेंस क्योंकि भले कुछ भी हो आपका वो निकले या नहीं निकले लेकिन ये एग्जाम देना और उसके बाद वो जो एस का प्रोसेस होता है ना मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं उस चीज़ को बहुत मतलब ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है ठीक है तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरी वन और थैंक यू फॉर द सेशन थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आप लोग रुके दो तीन मिनट जो मैं लेट हुई देखिए बहुत अच्छा फोटो दिखा रही हूँ मैं आपको ये क्या है वॉट इज़ दिस ठीक है तो ये क्या है एनी आइडिया ये क्या मतलब मेरा कलेक्शन नहीं है ये बिल्कुल इट्स अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस देखते हैं क्या होगा है ना बहुत सारे मेसी वाले जो फ़ैन हैं तो मैं आई एम फैन ऑफ सी आर सेवन यू नो दैट और मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे फ्रेंड जो हैं वो मेसी टेन के फैन हैं तो देखते हैं क्या होगा है ना चलिए बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है कोई बच्चे कोई बात नहीं बच्चे उसको इम्प्रूव किया जाएगा है ना ठीक है चलिए तो ये जो है ये है फोड़ा बोट अब ये क्या है फोड़ा बोट इसको समझिए पहले कि ये है क्या फोड़ा बोट ठीक है तो देखते हैं ये है फोड़ाबोट द सॉर्टिंग रोबोट न्यू टेक्नोलॉजी कैन ऑटोमेट सोटिंग मैनिपुलेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग माइक्रो मेरीन फॉसिल तो माइक्रो मेरीन है. फॉसिल क्या होता है जीवाश्म. जीवाश्म क्या कि कल को हम रहें या ना रहे मेरा छाप या मेरा कहीं डीएन या कुछ भी कोई एग्जिस्टेंस हमें यहाँ छोड़ के जाएंगे है ना मेरा अपना तो वो क्या हो जाएगा वो एक तरह का फॉसिल हो जाएगा अब एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो कि मेरीन में जो बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मरीन है उसको खोजने में यह हेल्प करेगी, ठीक है फोरामस इसका है फोरा वेरी सिंपल माइक्रो टीनी शेल तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस तरह के छोटे छोटे शेल को सिक्रीट करता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट सेल किस चीज का बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है है ना कि वो उसको सिक्रीट करता है दे हैव एग्जिस्टेड ऑन द ओशन फ्लोर फॉर मोर देन हंड्रेड मिलियन ईयर्स सौ मिलियन ईयर्स तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ओशन फ्लोर पे एंड दे है देव बिहाइंड देयर शेल वेन दे डाई और जब इनका डेथ होता है कि तो ये शेल छोड़ कर जाते हैं अब इसी सेल को एग्जामिन करने के लिए दीज एग्जामिन दीज सेल गिव साइंटिस्ट एन इनसाइट इन टू कैरेक्टर्स ऑफ ओशंस फ्रॉम टाइम वेन द फोरम्स वर अ लाइफ तो अब मान लीजिए कि आज हम हैं कल को हम नहीं रहेंगे मेरा एक डीएनए का बाल यहाँ छूट गया ठीक है अब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि उस बाल से उस बाल से वो पूरा ढांचा बना देंगे मेरा कि जब हम होते तो कैसे होते राइट समझ रहे तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो कि अब नहीं है और उसने अपने अपना एक शेल छोड़ के चला गया जिसका मैंने अभी आपको फोटो दिखाया इस टाइप का शेल छोड़ के चला गया ठीक है फोराम जो है अब साइंटिस्ट ने फोड़ा बोर्ड डेवलप कर दिया है ये एक ऐसा टाइप का है रोबोट टाइप टेक्नोलॉजी है कि यह बता देगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम कैसा था ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फो स्पीशीज थ्राइव्स इन द ओशन इन्वायरमेंट एंड फिजिकल इंसेप्शन एंड सोटिंग ऑफ फोड़ाम्स रिक्वायर्ड ह्यूमन टाइम एंड एफर्ट विद द एक्यूरेसी ऑफ परसेंट ठीक है तो यहां पे आपको दिख रहा है चलिए ठीक अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि नहीं ये क्या हुआ हां जी एक सेकेंड गाइस ठीक है हाँ तो एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर हा आर हा आर ये लॉन्च किया गया है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है क्या ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है या नासा द्वारा लॉन्च किया गया है स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है या आई स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया अगर आपको कल को याद होगा तो हम आपको बताए थे कि जापान ने कुछ लॉन्च किया है जापान ने और जापान की कंपनी का नाम भी आपको बताया गया था है ना ठीक है तो देखिए जापान के स्टार्टअप कंपनी इसके बारे में हम लोगों ने बात की है अभी दो तीन दिन से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है हम आपको बताए जा रहे हैं तो आई स्पेस इसका नाम है इसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर हाकूटो आर इलेवन दिसंबर दो को इसको लॉन्च किया गया आफ्टर सेवरल डिलेज बहुत सारा इसमें डिले हुआ हाकूटो आर में इसको लॉन्च करने में जो कि कमर्शियल यानी कि वहां पर प्राइवेम यानी कि ये प्राइवेट प्राइवेटाइज है मून लैंडर है मून पे लैंड करेगा आई स्पेस कंपनी द्वारा किया गया है और ये मिशन जो है ये केप वेराल फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है ठीक है और पोस्टमार्टम्स कॉज बाय इंसेप्शन तो यहाँ पे इंसेप्शन जो है स्पेस एक्स फैल्कन नाइन रॉकेट द्वारा किया गया है, है ना हाकूटो का मतलब होता है वाइट रैबिट छोटा उजला खरगोश जो कि लिव्स ऑन द मून इन जापानीज फोक फ्लोर तो कहा जाता है कि जापान में जापान में पहले जो हम लोग में नहीं, मतलब कहानी वानी कथा चलता था कि चांद पे रहती थी एक खूबसूरत हसीना तो वहां पर बोला जाता था कि छोटे छोटे वाइट खरगोश इस पर रहते हैं तो उसी के नाम पे हकूटो इसका नाम रखा गया है और ये स्पेस एजेंसी द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका रशिया एंड चाइना ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है मून पे सॉफ्ट लैंडिंग और अब जो है ये जापान ने किया है ठीक है नेक्स्ट आप देखेंगे फर्स्ट एवर अरब बिल्डर बिल्ड लूनर स्पेस तो अरब बिल्ड लूनर स्पेस अभी तक क्या है कि भारत तो बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है इन चीजों में कि हम लोग स्पेस पे चले गए और बहुत सारे कंट्रीज़ गए लेकिन अरब देश से अभी तक ऐसा कोई कंट्री था नहीं जो स्पेस पे काम किया था तो आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है गाइज आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने बताना है कि कौन सा अरब लूनर स्पेस बना रहा है तो ये कंट्री है यू ठीक है यू साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसराइल से हमेशा लड़ाई चलती है लेकिन यू ने यही फर्स्ट स्टेप लिया था अरब नेशन वर्ल्ड से कि हम आगे आएँ अच्छा इसमें एक बहुत अच्छा चीज़ हम आपको एक बात समझाएं जैसे आप लोग एक वर्ड सुनते होंगे स्पेस मतलब स्टेट और एक वर्ड सुनते होंगे नेशन स्टेट और नेशन में क्या अंतर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन अब जैसे अभी मैंने यूज किया कौन सा वर्ड मैंने यूज किया अरब नेशंस और फिर मैंने अगर मैं बोलूं एशियान कंट्रीज आसियान क्या है नेशन है या मैं बोलूं कि साउथ एशियन नेशंस यूरोपियन नेशंस समझ जाओ तो जो एक भावना है अ काइंड ऑफ कॉमन कॉमन एथिक कॉमन गोल वो बहुत सारे कंट्रीज को एक नेशन बना सकती है लेकिन जब बहुत ही क्लियर कट डिमार्केशन हो कि भाई इतना ही है तुम्हारा बॉर्डर इतना ही है और तुम जो है वो सोवरेन तरीके से रूल किए जा रहे हो यानी कि कोई दूसरा कंट्री तुम पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है तो वो स्टेट है ठीक है स्टेट और नेशन का अलग थ्योरी है समझ में आ रहा है तो चलिए अभी आपको समझ में आ गया कि ये यूएई है नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर बदल चुके हैं आपको बताना है कि कौन सा कौन से बने हैं गुजरात के अगले चीफ मिनिस्टर पंद्रहवें ये चीफ मिनिस्टर है इनका नाम क्या है इनका नाम है तो फिर से भूपेंद्र पटेल हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द सेकेंड टेन्योर तो फिर से गुजरात में इनकी सरकार बन चुकी है और गवर्नर जो है इनका नाम है आचार्य देवव्रत और आचार्य देवव्रत जो है इन्होंने इनको ओथ दिलाया है गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं चले अगला सवाल अगला सवाल है कि किमेंट हैज लॉन्च सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम तो सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता श्रमिक जो साफ सफाई करते हैं स्वच्छता श्रमिक होते हैं उनके लिए हम डेवलपमेंट करेंगे है ना अपने देश में क्या प्रॉब्लम है अपने देश में है इन इक्वालिटी डिस्पैरिटी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ये सब क्या होता है ये सब मतलब कि हमारे देश में देखो ऐसा नहीं कि हम गरीब हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं, लेकिन हमारे देश में कितने परसेंट लोग अमीर हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ ही लोग अमीर हैं और बाकी लोग जो हैं वो गरीब हैं तो सबको साथ लेकर चलना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है समझिए अब अब धीरे धीरे ना फैक्ट्स तो हो गया अब धीरे धीरे पॉइंट्स को समझिए संविधान में क्या लिखा हुआ है ये वर्ड लिखा नहीं है लेकिन हमारे संविधान में जो पार्ट फोर है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो कहता है बनाना बनाना हमने स्टेट बनाना है जिसमें लास्ट खड़े हुए व्यक्ति लाइन में खड़े हुए लास्ट व्यक्ति तक को सारी सुविधाएं मिले तो इसमें सैनिटेशन वर्कर आप कभी सोचे हैं कि जो लोग आपके लिए साफ सफाई करते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए सरकार सोच रही है कहाँ की सरकार सोच रही है ऐसी बात तो यह है तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु में एम के चीफ मिनिस्टर हैं अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आना है और इसका इनका एम क्या है कि इनके लाइफ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है तुम बोलोगे भाई डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना सरकार का ये कर्तव्य है डी पी एस पी किसमें पार्ट नंबर फोर में है फोर में आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स आपका डीपीएसपी है जिसमें सोशलिस्ट लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल और गांधी प्रिंसिपल है जितने बच्चे मेरे सब पॉलिटी पढ़े मैंने पढ़ाया हुआ है है ना तो यहाँ पे इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ठीक है सैनिटेशन वर्कर हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी ठीक है ये ऐसा होना चाहिए था सैनिटेशन वर्कर हेल्थ वेलफेयर अच्छा वेलफेयर का डब्ल्यू एंड सेफ्टी फाइन तो यहाँ पे इसको किया गया है तमिलनाडु सरकार ने अगला अगला जो सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि विच देखिए कल हम आपको एक फोटो दिखाए थे फूल पत्ती का याद है तो वहाँ पे हम आपको बोले थे कि तीन ऐसे स्पीशीज हैं तीन स्पीशीज हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हिमालय में ये फूल पत्ती है और ये फूल पत्ती अब मेडिसिनल प्लांट और बहुत ज्यादा अब खत्म हो रही है तो हो सकता है कि जब जड़ी बूटी लाया गया हो क्या आप पता यही वाले जड़ी बूटी लेकर आए हो हनुमान जी है ना तो अब इसमें से कौन से हैं तो बिल्कुल ऑल है इसका आंसर ये पेलिटा किरहोसा और हटा गए हटागिरिया देखो हमको ना बायोलॉजी का वर्ड बहुत टफ लगता है इसलिए हम आज तक कभी बायोलॉजी टेंथ के बाद पढ़े नहीं है खैर लेकिन आपको देखना है ये तीनों वर्ड को देख लीजिए दिमाग में फिट कर लीजिए और ये तीन जो है अपने आई यू सी एन रेड लिस्ट में थ्रेटन स्पीशीज गए और उसके बाद अभी बहुत खतरनाक जगह पे है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बहुत बड़ा आता है आपसे पूछा जा सकता है एक बार सी में सवाल आया था कि वॉट इज इको तो वैसे ही आ सकता है वॉट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी को समझना है इस वर्ड को थोड़ा सा आराम से तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए एक लैंड है उसमें खाली पेड़ है पीपल का मान लो भरा हुआ पीपल का पेड़ है ठीक है तो ये हो गया पीपल का पेड़ अच्छा जगह है कि बूढ़ा पीपल का पेड़ भरा हुआ है लेकिन एक दूसरा जमीन है दूसरा जमीन में तुम एक कोस गए तो पीपल का पेड़ मिला फिर गए तो आम का पेड़ मिला फिर गए तो बेल का पेड़ मिला फिर गए तो केला का पेड़ मिला फिर बड़गा तो मतलब सब एकदम हलवा बना हुआ है उसमें ठीक है मिक्स तो उसका क्या मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा है है ना तो ये हो गया बायोलॉज बायोडाइवर्सिटी अब हॉटस्पॉट का क्या मतलब है तो हॉटस्पॉट का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी है लेकिन 70 परसेंट तक ऐसे पेड़ हैं जो अब खत्म होने के कगार पे हैं इनका बायोडाइवर्सिटी कम हो रहा है ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी खाली पीपल का पीपल का पेड़ बचे तो जब बहुत सारे स्पीशीज हैं और वो खत्म होने के कगार पे है तो उसको हॉटस्पॉट कहते हैं इसको समझिएगा जरा ठीक है क्यों होता है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हम लोग पेड़ काट देते हैं हैबिटेट का लॉस होता है इतना पोल्यूशन करते हैं कि वो सब नहीं बचते हैं अब जैसे एक आप लोग सुनते होंगे जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई पढ़ा देते हैं लाइकेंस लाइकेंस क्या होते हैं लाइकेंस जो हैं ये एल्गी और फंगी का जोड़ होता है लाइकंस ठीक है एल आई सी एच ई एन लिखा होता है कहीं कहीं बहुत जर्मन किताब देखोगे तो उसमें वाई लिखा रहता है तो यहाँ पे लाइक जो है ये एल्गी और फंगी का मिक्स होता है पेड़ पे लाइकन है तो अच्छी बात है पेड़ पे अगर लाइकन है तो ये अच्छी बात है क्योंकि लाइकिन उस जगह रह ही नहीं सकते जहां पे वातावरण जो है वो प्रदूषित है तो लाइकन से क्या पता चला ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशी है समझो इंडिकेटर स्पीशी है इंडिकेटर स्पीशी का क्या मतलब है कि जहां पे ये है तो अच्छी बात है क्यों क्योंकि वहां पे हवा साफ है अब जैसे उसी तरह है कोरल कोरल भी क्या है तो कोरल जो है पॉलिप और जूज आंसले का मतलब ये सिम्बोटिक रिलेशन है तो अब कोरल का मतलब क्या हुआ कोरल ऐसी जगह ही हो सकता है जहाँ पे पानी साफ है तो अगर कोरल है यानी कि पानी साफ है और अगर कोरल का ब्लीचिंग हो गया कोरल ब्लीचिंग हो गया यानी कि कोरल ब्लीचिंग ब्लीचिंग का मतलब क्या कि वो पूरा सफेद हो गया बहुत सारा सुंदर सुंदर कलर का कोरल होता है जैसे मूवी वगैरह में नहीं देखते हो वो जो क्या नाम था उसका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो उसमें वो ऐसे पानी के अंदर डाइव मारता है फिर पूरा हरा भरा लाल पीला सब दिखता है तो समुद्र में तो बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है लेकिन मान लीजिए वही पूरा व्हाइट व्हाइट दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे व्हाइट हमको अच्छा लगता है लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो कोरल जो है वही होगा जहाँ पानी साफ है और टेम्परेचर 21 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ यानी ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हुआ यानी प्रदूषण ज्यादा हुआ तो ये खत्म हो जाएगा ये इसको इंडिकेटर स्पीशी कहते हैं दोनों को और एक और शब्द सुन लीजिएगा जरा तो इसका नाम है सिम्बॉयटिक सिम्बॉयटिक शब्द क्यों बोले हम तो देखिए एक वो है गाय गाय के ऊपर बैठा है कौआ ठीक अब गाय जो है वो घास खा रही है अपना मस्त कौवा जो है वो गाय पे बैठे हुए जो कीड़ा मोकाड़ा होता है या जू होते हैं ठीक है जू होते हैं लाइस लाइस एल आई सी ई -E कहते हैं लाइस तो उसको ये खा लेता है कौवा ठीक है मस्त अपना जिंदगी चल रही है गाय का पूरा बॉडी साफ़ हो रहा है है ना फ्री का स्पा और कौवा को अपना खाना मिल रहा है ये रिश्ता है ये रिश्ता क्या है ये म्यूचुअलिज्म है ये रिश्ता क्या है म्यूचुअलिज्म है म्यूचुअलिज्म यानी कि म्यूचुअली उन लोग में है कि भाई तुम मेरा फायदा हम तुम्हारा फायदा लेकिन क्या गाय अगर कौवे को नहीं बैठने देगी तो गाय मर जाएगी नहीं मरेगी या फिर कौआ नहीं खाएगा गाय पे कीड़ा तो वो मर जाएगा नहीं कहीं और कुछ खा लेगा है ना तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों में मरने वाला सिस्टम है कि अगर तुम नहीं तो हम गए जैसे तुम लोग का तुम लोग का भी जो रिलेशनशिप वगैरह म्यूचुअलिज्म है जो तुम लोग कहते हो कि वो नहीं रहेगी तो हम चलें वो नहीं होता है म्यूचुअलिज्म है कहां जाते हो पर अगर तुम सही में निकल लिए तो उसको बोलेंगे सिम्बॉटिक रिलेशन कोई तुमको ऐसी मिल गई जो नहीं रहेगी तो तुम निकल लिए वो लिएटिक रिलेशन है तुम दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हो लेकिन अगर तुम दोनों नहीं रहे तो वो क्या हो जाएगा सिम्बॉयटिक रिलेशन हो जाएगा समझ रहे हो बोल रहा है ही नहीं तो अब एक एक, एक क्रिएचर है पॉलिप्स ठीक है पॉलिप पेड़ पौधे छोटा छोटा और एक जू ज तो पॉलिप जो है वो जूजांथले पे उगता है अब पॉलिप खाना बनाता है उसको खाता है और जूजाथले घर देता है पॉलिप उस रहता है 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 ठीक इस तरह से अपना रिलेशन है। उसी तरह से एल्गी और फंगाई क्या है और इन दोनों के साथ में रहने से लाइकेंस कहते हैं उसको तो अगर एक दोनों नहीं रहा एक साथ तो वो दोनों मर जाएगा ठीक तो ये है सिम्बॉटिक रिलेशन और बाकी जो तुम लोग का चल रहा है मतलब मतलब गाय और कौवा का चल रहा है वो म्यूचुअलिज्म है ठीक क्लियर चलिए एनवायरमेंट में कुछ कुछ शब्द जो हैं वो पूछे जाते हैं तो पता होना चाहिए बोल रहे अरे कितने बार आपको कि कोई नहीं है अरे कोई होगी फिर जिसको तुम डायलॉग दोगे कि बाबू तुम नहीं तो हम तो चले तो ऐसा कुछ नहीं होगा है ना क्योंकि मैडम बोली है कि ये म्यूचुअलिज्म है ऐसे आजकल तो रिलेशनशिप में वन साइडेड ही होता है दोनों जगह से कहीं हो रहा है कोई ना किसी को बना ही रहा है जहां तक हमको लगता है ठीक है चलिए तो विच एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल ठीक है इंड इंडो इंडिया इंडोनेशिया कॉरपैट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम 8 से 19 दिसंबर 8 से 19 दिसंबर तो ये देखो भाई थर्टी नाइन्थ थर्टी नाइन एडिशन चल रहा है हम थर्टी नाइन बार कर चुके हैं इंडिया और इंडोनेशिया के साथ अपना अपना रिश्ता चल रहा है इन लोग का आठ से उन्नीस दिसंबर के बीच में आई एन एस कारमुख कारमुख जो है ये इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट पा, पार्टिसिपेटेड इन प्री डिप्लॉयमेंट ब्रीफिंग एंड बेलवान इंडोनेशिया ठीक है ये यहाँ पे चल रहा है हमारी तरफ से गया आई एन एस कारमुख बस इतना काफी है हु हैज इन न्यू सुप्रीम कोर्ट जज देखो कल इनका फोटो दिखाए थे आपको अब याद होगा कल वाला सेशन जो नहीं दिखाया पिटाने योग्य काम कर रहे हैं आजकल के बालक टीचर सोच रही है कैसे पीटे डिजिटल मोड में हां जी कल दिखाए थे फोटो इनका ठीक है दीपांकर दत्ता जी हैं दीपांकर दत्ता जी सुप्रीम कोर्ट के बन गए हैं क्या जज अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बना जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज कोलिजियम सिस्टम से बना जाता है अभी कोलिजियम सिस्टम चल रहा है एनजेएसी आया था नाइन्टी नाइन्थ अमेंडमेंट में लेकिन एनजेएसी को फिर माना नहीं गया याद होगा आपको चीफ जस्टिस कौन है तो डी वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस है है ना तो ये आ, अब हो गए हैं और इनको याद रखिएगा आप चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट इज द थीम ऑफ बीस ट्वेंटी काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल माउंटेन काठमांडू में चल रहा है पूरा इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, इसका थीम पूछा आप देखते है? हम एक देखे, क्या ही बोले अब ठीक है ओके okay, फाइन तो ये देखिए थीम इसका थीम क्या है, Sustainable Sustainable बहुत यूज होता है सतत का मतलब होता है कि मान लीजिए आज आपने कर ली चोरी और पांच करोड़ रुपया आ गया जेब में अब क्या तुम्हारा तो डेवलपमेंट हो जाएगा यार तुम तो घर ले लोगे तुरंत ज्वेलरी ले लोगे तुरंत आईफोन मतलब एप्पल का सारा सिस्टम ले लोगे सब ले लोगे ठीक है क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आज है कल नहीं है कल को चोरी नहीं हुई तो फिर क्या करोगे है ना बोलोगे पांच करोड़ में तो मैम जीवन जी ही लेंगे पुलिस भी तो आएगा उसको भी तो बोलोगे घूस वगैरह दोगे बचोगे मतलब पैसा चला जाएगा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है लेकिन आज तुमको एक अच्छा जॉब मिला जहां पे तुमको पता है कि लाइफ टाइम मेरे को इतना इतना सैलरी मिलने वाला है और धीरे धीरे आप डेवलप करते जा रहे हैं और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इस तरह से विकसित होना है कि आगे जाके वो विकसित जो है वो ढस से खत्म ना हो जाए समझ में आया तो सस्टेनेबल समिट्स यानी कि समिट का मतलब क्या होता है पहाड़ का जो ऊंचे चोटी होता है उसको हम सबमिट कहते हैं इसीलिए जब अपने अपने देश के सब लोग मिलते हैं तो नहीं बोलते हैं कि सबमिट हो रहा है ग्लोबल सबमिट हो रहा है क्योंकि उच्च प्रकार के लोग यहाँ पे मिल रहे हैं ठीक है पचपन मूवी दिखाया जाएगा नेपाली कोरियन हिंदी स्पेनिश रशियन फ्रेंच ये डिओला इटालियन एल्बनीज सब लैंग्वेज में पचपन मूवी दिखाया जाएगा देख लीजिएगा आप लोग भी बैठ के है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है पीएम स्वनिधि सुनिधि स्कीम को कब तक सुनिधि स्कीम है क्या पहले तो तुम लोगों को यही नहीं पता होगा जबकि पढ़ाया हुआ है पेड क्लास में भी पढ़ाया हुआ है सुनिधि स्कीम क्या है और कब तक जाएगा ये सुनिधि स्कीम तो देखिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी अगर स्ट्रीट वेंडर हैं कोई जो अम, ठेला लगाते हैं दुकान लगाते हैं ठीक है तो वो लोन ले सकते हैं बहुत बढ़िया वो लोन ले सकते हैं और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है तो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड लोन अप टू पचास हजार रुपए तक का ये लोन ले सकते हैं पहला दस हजार था दूसरा बीस हजार था अब पचास हजार तक का ये लोन ले सकते हैं और बीस मतलब दिसंबर दो तक इसको एक्सटेंड किया गया है एक जून 2020 को ये लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम बड़ा अच्छा स्कीम है छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर जो हैं उसमें लोन ले सकते हैं सरकार से ठीक है अचानक से होता है ना कि कोई माल मंगाना है सामान मंगाना है तो जरूरत पड़ जाती है या ठेला लेना है या गुपचुप का दुकान लगाना है तो देखिए अपने देश का जो असली रूप है वो वही है आप लोग जो आराम से बैठे हुए हैं कम्बल में और बैठ के पढ़ रहे हैं पढ़े तो पढ़े नहीं पढ़े तो देखा जाएगा देखा जाएगा वाला सिस्टम नहीं है देश में सबको स्ट्रगल कर रहा है आप लोग भी आ जाइए स्ट्रगल में नहीं तो दिक्कत हो जाएगा कई चलिए तो अब नेक्स्ट इस है इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द हॉट टेस्ट ऑफ स्क्रैम जेट देखो हम रैम जेट और स्क्रैम जेट में बहुत बार डिफरेंस बताए हुए हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए तो फिर पता कर लीजिए रैमजेट और स्क्रैम जेट तो रामजेट नहीं है स्क्रैमजेट है और तमिलनाडु से किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है हॉट टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन इसरो का प्रपल्शन प्रप, अब ये सब वर्ड से अब आप अवगत होने चाहिए प्रपलशन स्क्रैमजेट क्रायोजेनिक ठीक है तो ये महेंद्रगिरी अच्छा महेंद्रगिरी सुनो ध्यान से ये महेंद्रगिरी क्या है यार तुमको बताया हुआ है कि ये जो साउथ इंडिया है साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हैं है ना वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स भी हैं देखो इसको हम तोड़ तोड़ के बनाए हैं और इसको कंटिन्यूस बनाए क्योंकि ये कंटिन्यूस है वेस्टर्न घाट्स क्या है कंटिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूअस है ये तो आपको पता ही है ठीक है ईस्टर्न घाट डिस्कटीन्यूअस है क्यों ईस्टर्न घाट डिस्कटिन्यून्यूअस है गाइज ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूस है क्योंकि नदी में तो बहाओगे ना यार यहाँ पे महानदी है गोदावरी है कृष्णा है कावेरी है बहुत सारी नदियां जो हैं वो ईस्टर्न घाट से कहा जाती है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है ठीक है तो अब ये जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं शयाद्री भी कहते हैं इसको कहीं कहीं आप पढ़े होंगे शयाद्री ठीक है ओके वेस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची पर्वत है उसको आप कहते हैं अनाई मुड़ी क्या कहते हैं किसका मुड़ी अनाई का मुड़ी ठीक है अनाई मुड़ी और ईस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची पर्वत है उसका नाम क्या है ये सब कहानी इसी के लिए है महेंद्र बाहुबली बली नहीं महेंद्र गिरी ठीक है महेंद्र गिरी इसका नाम है क्लियर है अगर बोला जाएगा कि मैडम दोनों में कंपेयर करके बताइए तो कि महेंद्रगिरी बड़ा है कि अनाईमुढ़ी बड़ा है तो जो पूरे साउथ इंडिया है साउथ इंडिया पूरे साउथ इंडिया में सबसे बड़ा अनाईमुढ़ी है ठीक है इसमें एक और पहाड़ याद रख लेना यार वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में ऐसे नीलगिरी की पहाड़ियां भी हैं ठीक है नीलगिरी कौन गिरी नीलगिरी नीलगिरी के नाम पर एक तहड़ भी होता है नीलगिरी तहड़ ठीक है नीलगिरी तहड़ तो कभी कभी वीडियो वगैरह देखते शॉर्ट्स देखना तो आप लोग का

कभी कभी पूछा जाता है तहर किस चीज की स्पीशी है तो बकरी की स्पीशी है अब नीलगिरी में भी जो सबसे ऊंचा पहाड़ उसका नाम है डोडा डोडा बेटा डोडा बेटा ठीक है डोडा बेटा इसको याद रखेंगे क्लियर है गाइज और नीलगिरी में ही एक और पहाड़ है उसका नाम है बाबा बुदान तो बाबा बुदान किस चीज के लिए जाना जाता है बाबा बुदान जो है वो जाना जाता है कॉफी के लिए कॉफी के लिए बाबा बुदान जाना जाता है बाबा बुदान नाम के एक्चुअली व्यक्ति थे अफ्रीका में इनको कुछ सीड्स का स्मेल बड़ा अच्छा लगा तो बड़े चलते हैं ले जाके इंडियन का तो काम है जो अच्छा लगा रख लो तो अपने में रख इंडिया आए, यहां साउथ में आए। और यहां पे इन्होंने उस सीड सीड को को ऐसे कर दिया। दिया को, कर दिया 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 मतलब बो सो और उसे कॉफी निकलने लगा तो वो बाबा बुदान के नाम पे बाबा बुदान पहाड़ है ठीक है तो ये सब कहानी हो गया क्यों क्योंकि महेंद्रगिरी से ये रॉकेट लॉन्च हुआ था ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस इज अ प्रीमियम सर्विस ऑफ न्यू सोशल मीडिया ये सब आपको हम हमसे ज्यादा पता है हाँ शॉर्ट्स में अच्छा मेरे असाइनमेंट के अलावा नहीं देखते हैं वेरी गुड कल हम असाइनमेंट नहीं दिए थे आज भी देना है आज असाइनमेंट देना है आज असाइनमेंट का हम टॉपिक बता देते हैं इंडिया और चाइना के बीच में रहेगा ठीक है गालवान वैली है वेस्टर्न सेक्टर है मिडिल सेक्टर है ईस्टर्न सेक्टर है तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलेंगे और उसमें कुछ और पॉइंटर्स डालेंगे कि क्या क्या परस्पेक्टिव से एक्सप्लेन करना है इन्वायरमेंटली पॉलिटिकली तो वो ही टॉपिक रहेगा उसका हम आपको शॉर्ट्स दे देंगे ठीक है गाइज हाँ बोलो ये तो तुमको पता है यार ट्विटर ब्लू टिक ट्विटर का होता है ब्लू टिक आपको ये पता ही है और बोलता है पैसा लगेगा इसमें अच्छा हम अकाउंट ही नहीं बनाए थे शिशुपाल हिलॉक वर्ल्ड विल बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो शिशुपाल हिलॉक इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा कहाँ पे बनाया जाएगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो ये आपका देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने शिशुपाल ही लॉक ठीक है महासामुंद सा, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया है याद रखिएगा चले नेक्स्ट आप देखेंगे टूरिज्म मंत्री हैज सेटअप ट्वेंटी फोर इंटू सेवन मल्टी लैंग्वेज टूरिस्ट इनफो हेल्पलाइन तो अगर कोई घूमने चाहते हैं टूरिस्ट हैं पर्यटक हैं तो 24 घंटे सातों दिन फ़ोन करके यहाँ से बात कर सकते हैं कितना भाषा में कितना भाषा में बारह भाषा में कहाँ कहाँ से जर्मन फ्रेंच स्पेनिश इटली पोर्तगीज रशियन चाइनीज जैपनीज कोरियन अराबिक किसी भी भाषा में भारत भ्रमण करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर डायल करें वन एट ज़ीरो जीरो वन 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 थ्री सिक्स थ्री ट्वेंटी फोर सेवन मल्टीलिंग टूरिस्ट इन हेल्पलाइन ये सुन के मोदी जी हमको ही रख लेंगे इस हेल्पलाइन नंबर ठीक है हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया ब्रॉडकास्टिंग यूनियन तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में किसको बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट आपने बताना है ठीक है हाँ जी तो ये इनका नाम है सुनील इनका नाम है सुनील टाइटल नहीं है तो प्रसार भारती एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुनील जी को डाला गया है कहाँ पे तो यहां पे डाला गया है तुम तो उन लोगों को लग क्या हम हेल्पलाइन नंबर में काम करते हैं ठीक है तो वाइस प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ए में बनाया गया इनको ठीक है फिफ्टी नाइन्थ बने हैं ये नेक्स्ट देखेंगे विच कंट्री प्रिंटेड द फर्स्ट बैंक नोट विथ वुमेन सिग्नेचर तो अभी तक अपने देश में भी नहीं हुआ है क्योंकि देखो कभी जो आरबीआई के गवर्नर बनेंगे वही ना साइन करते हैं नोट पे सिग्नेचर से बैंक नोट में छाप छापा है पहली बार ठीक है तो ये कहां पे है ये देखिए यूएस का है अमेरिका का है क्योंकि जो ट्रेजरी है जैसे हमारे ये हैं, तो अमेरिका फिनेंस मिनिस्ट्री प्रिंटेड द फर्स्ट यूएस बैंक नोट विथ टू वुमेन सिग्नेचर है ना और करेंसी वन डॉलर का है और पांच डॉलर का है वैल्यू करेंसी साइन किया गया है और ये अमेरिकन फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जैनिथ एलन और एलान मैले मैले मेलेबा खतरनाक नाम लेकिन सही है ठीक है तो इसको किया गया है और यूएसए करेंसी को आप जानते हैं कि ग्रीन बैक कहते हैं ठीक है ग्रीन बैक चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे कि विच कंट्री स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ये इनका नाम है ग्रैंड वहल डाइज इन कतर कतर ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप मैच तो अभी ये कहाँ के हैं या अमेरिका के हैं और अभी इनका निधन हुआ ठीक है तो यहाँ पे ये 1996 से कंटिन्यूसली फुटबॉल को कवर कर रहे थे अमेरिका के हैं ग्रैंड बाल और 48 इयर्स में इनका भी निधन हो गया है ठीक है गाइज ओके नेक्स्ट देखेंगे यूनिसेफ डे दे। बच्चों के लिए काम करता है यूनिसेफ यूएन UN का वो विंग उसको हम कहते हैं यूनिसेफ तो यूनिसेफ डे जो है ये कब कहाँ कब मनाया जाता है ये इलेवन दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है यूनिसेफ डे यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और ये नाइनटीन में बना था 11 दिसंबर को होता है बच्चों के बारे में ग्लोबली अब आप लोग सोचेंगे मेरे बारे में तुम्हारे बारे में नहीं आज से बीस साल पहले जो तुम थे उसके बारे में ये ध्यान देते हैं चलिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऊर्जा uh, को क्या करना है संरक्षित करना है बचा के रखना है ऊर्जा को आप लोग अपना ऊर्जा मत बचाइए अभी पढ़ने में लगा दीजिए ये हम लोग बात कर रहे हैं जो ऊर्जा यूज होता है उसका तो 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं 1991 से मना रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा ठीक है 1991 में क्या हुआ था एलपीजी हुआ था एलपीजी क्या होता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ठीक है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो हमने अपने देश की इकोनॉमी को थोड़ा सा खोला था खोला था बोले तो यानी कि अपना गवर्नमेंट जो है वो अपना सारा काम कर देते थे जो जो हमको बनाना है स्कूटर गाड़ी वगैरह जो जो भी यूज़ है वो गवर्नमेंट बनाती थी पूरा जो है पब्लिक सेक्टर था फिर बोला गया यार प्राइवेटाइज करो लिबरल करो थोड़ा सा दो कंपनी को भी हक कि वो भी कुछ बनाए ग्लोबलाइज कीजिए यार मार्केट को थोड़ा मार्केट को ओपन कीजिए एक्सपोर्ट कीजिए इम्पोर्ट कीजिए तो हम लोग हम लोग संकट में भी आ गए थे आर्थिक संकट में थे तो एल इंट्रोड्यूस किया गया और मनमोहन सिंह जी का एक बहुत अच्छा वहाँ पे स्पीच है कि द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम कैन नॉट बी स्टॉप्ड तो आप लोग का भी जब किस्मत का ताला जो ऐसा चाबी खुलने वाला है है ना अगर वो समय आ जाएगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता है लेकिन वो जो चाबी डालना और उसको घुमाने का जो एफर्ट है ना वो आपको लगाना पड़ेगा अभी से लगाना पड़ेगा ठीक है तो गाइज ये सब बातें हो गई अब देखो कुछ जगह है न्यूज में है उसको सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से यह है रोमानिया जाइएगा घूमने आप लोग भी हनीमून नहीं मम्मी पापा को भी लेके जाइएगा कभी और ये सर्बिया है बोस्निया एंड हेरीजोगोविनिया है तो अब ये सब जगह क्यों पढ़ा रही है मैडम क्योंकि जगह न्यूज में है बोस्निया देखो यूरोपियन यूनियन कंट्री हैव एग्रीड टू ग्रांट बोस्निया कैंडिडेट स्टेटस ठीक है यूरोपियन यूनियन कह रहा है बोस्निया को कि हम देंगे तुमको कैंडिडेट स्टेटस टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन ट्रिगर फॉर दिस हैज कम विथ रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन तो हो सकता है कि देखो रशिया जो है यूक्रेन पर अटैक कर चुका है क्या पता बॉस्निया क्यों रशिया क्या कह रहे हैं कि पहले मेरे पास यूएसएसआर था अब हम वापस बनाएंगे अपना यूएसएसआर तो क्या पता बोस्निया पे भी अटैक कर दे तो क्यों ना पहले ही से उसको हम यूरोपियन यूनियन में डाल इस कंसर्न दैट अदर पावर सच एज रशिया और चाइना माइट स्प्रेड अपना इंफ्लुएंस लेकर आ जाएंगे बालकन कंट्रीज में बालकन कंट्री यानी कि ब्लैक सी के आसपास जो कंट्री होते हैं उनको हम बालकन कंट्री कहते हैं बाल्टिक सी के आसपास जैसे कि लातविया एस्टोनिया और लुथेनिया ये तीन कंट्री को हम बाल्टिक कंट्री कहते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये कंट्री को ये लेकर आ जाएंगे बॉस्निया एंड हर ये दो कंट्री जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे

और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा वीक है तो हो सकता है कि कल को जाके इस पर अटैक हो जाए इसलिए यूरोपियन यूनियन इसको कह रहा है कि इसको कैंडिडेट स्टेटस दे देना चाहिए थोड़ा सा मैप देख लीजिए आजकल साउथ यूरोप बड़ा न्यूज में रहा है फिर उसके बाद देखिएगा सर्बिया एंड कोसोव तो सर्बिया का भी इशू चल रहा है टेंशन बिटवीन सर्बिया एंड कोसोवो फ्लेयर द एन्यू ड्यूरिंग द पास्ट वीक आफ्टर सर्ब इरेक्टेड द बैरिकेड्स ऑन द मेन रोड ऑफ द नॉर्दर्न कोसोव ठीक है तो ये मेन मकसद मेरा यही था कि आपको मैप दिखाना ये देखिये कोसोव है ये सर्बिया है यहाँ पे देखिए कोसोव ये, को ये कंट्री दिख रहा है ना और ये सर्बिया है तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोसोव किस कॉन्टिनेंट में है सर्बिया के साउथ है नॉर्थ है तो आपको पता होना चाहिए मैप दिखाना मेरा मेन मकसद था ठीक है अभी ये इशू चल रहा है अभी ये चलेगा जब तक जब इसका मेन आ जाएगा तब हम आपको बता देंगे अब देखिये यहाँ पे एक कस्टम एक्ट चला था 1962 में साठ साल हो चुके हैं कस्टम एक्स के कस्टम आपको पता होगा ये एस वगैरह भी एग्जाम लेते हैं तो उसमें आ, कस्टम इंस्पेक्टर का आता है हाँ बर्गर टी कंट्री जो है ब्लैक सी को कवर करते हैं वेरी गुड तो जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो कस्टम एक्ट आया था नाइनटीन में साठ साल हो चुके हैं ये क्या करता है रिस्ट्रिक्ट करता है इम्पोर्ट ऑफ कंजर्विंग फॉरन एक्सचेंज ठीक है कि बाहर नहीं की सब पैसा बाहर ही भेज दीजिए टू प्रोटेक्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट और रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट को तो देश में जो आया और देश से जो बाहर गया उसको ये देखता है हीरो Hero हीरोइन भी जाता है बाहर तो ऐसे जेवर वगैरह खरीद के ले आते हैं लेकिन नहीं उस पर कस्टम टैक्स लगेगा ना तो उसको वो देखते हैं ये सारे रूल्स रेगुलेशन को देखते हैं डोमेस्टिक ट्रेड को सेफ करते हैं मान लीजिए डंपिंग को प्रिवेंट करते हैं अब डंपिंग का क्या मतलब हुआ मान लीजिए इंडिया में कंपनी है कीर्ति कीर्तिज ठीक है कीर्तिज कंपनी जो है बड़ा अच्छा पेन बनाती है पेन बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन भाई पेन बनाने में लागत लगता है और अच्छा पेन बनाने में और पैसा लगता है तो हम सोचे कि भाई पेन तो हम बना लिए हमको लगा पेन बनाने में बारह रुपये तो हम सोचे अपना प्रॉफिट भी देख लेते हैं पंद्रह रुपये में हम तुम लोग को पेन बेच रहे हो बड़ा अच्छा पेन बेच रहा हो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है लेकिन एल आ गया है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम ट्रेड कर सकते हैं और हम सरप्लस कर सकते हैं डेफिसिट कर सकते हैं इसका मतलब क्या है फिर एक कंपनी है चाइना में इसका नाम है जिंग ज्यांग ठीक है कुछ भी इसका नाम है अब ये बनाने शुरू किया पेन इसको भी पेन बनाने में ज्यादा पैसा तो लग ही रहा है इसको दस रुपए लेकिन ये क्या चाहता है कि हम डंपिंग कर दें डंपिंग कर दें मतलब तो यानी ऐसे दाम में पेन बेचें तो ये क्या करने लगा आप सुनिएगा इसका स्ट्रेटेजी क्या है ये बोला भाई हम आठ रुपए में पेन बेचेंगे इंडिया में ठीक है इंडिया में हम आठ रुपए में पेन बेचेंगे अब पूरा मार्केट में आठ रुपए का जिंग जैंग का पेन आ गया अब क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है अब तुम लोग तो तुमको हमसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी है तुम पंद्रह रुपये में थोड़ी पेन खरीदोगे तुम बोलोगे यार ये पेन खरीदो आठ रुपये वाला अब सब कोई आठ रुपये का पेन खरीदे जा रहे खरीदे जा रहे हैं खरीदे जा रहे हैं अब हम पेन बनाना कम कर दिए क्योंकि सप्लाई मेरा डिमांड कम हो गया अब कुछ दिन बाद हम पेन बनाना बंद ही कर दिए क्योंकि कोई खरीद ही नहीं रहा है हम लॉस में क्यों पेन बनाए मेरा कंपनी गया ठप गया खत्म ठीक है अब तुम लोग खरीदो जाके जिंग जेंग का पेन हम्म अब ये जिन सोचा कि अब मार्केट में मेरा क्या हो गया मोनोपोली हो गया अब हमसे ही जो खरीदेगा वो पेन खरीदेगा बाकी हमसे कोई पेन खरीद ही नहीं सकता क्योंकि सब मार्केट को हम खत्म कर दिए अब जिन अपना पेन का दाम बढ़ा देगा अब हो गया ना तुम्हारा नुकसान बारह रुपए का पेन देगा अब तुमको कुछ दिन बाद बीस रुपए का पेन देगा क्योंकि उसको पता ही मोनोपोली कर रहा है तो ये होता है सस्ता सामान मार्केट में भर देना ये डंपिंग होता है और कस्टम एक्ट 1962 के तहत कस्टम जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इसको बचाता है और चाइना हमसे ज़्यादा सामान जो है वो हमको देता है और कम सामान लेता है सौ रुपए का सामान दिया तो दो रुपए का सामान लिया तो चाइना के साथ हम ट्रेड के डेफिसिट में हैं और अमेरिका और यूके अच्छा जगह है वहाँ हमसे ज़्यादा सामान वो लेता है सौ का सामान लिया तो हमको दो रुपए का सामान दिया दो नहीं तो मान लो बारह रुपए का सामान दिया तो यहां पे हमारे पास ट्रेड का सरप्लस है क्योंकि हम पॉजिटिव में जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव में रहेंगे ना ठीक है चलिए नेक्स्ट तो ये इसका मैस्कॉट भी है फोटो हम आपको दिखा दिए हैं हंस जो है इसका मैस्कॉट है इसको रिलीज किया गया है तो ये आप समझ चुके हैं ठीक है तो बैचेस तो गाइज है ही बैचेस में आ जाइएगा और हम सोच रहे हैं कि कल वाला जो करंट अफेयर्स था ना उसको एक राउंड हम रिवाइज करवा दें थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा ठीक है चलिए रेडी स्टडी गो पहले ग्लोबल एम्बेसडर कौन है डायबिटीज के लिए जल्दी से बताइए प्लीज गाइज पहले ग्लोबल एम्बेसडर ठीक है रोहित का आंसर आ चुका है एक भी बच्चे का आंसर आएगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये है देखिए शेख हसीना है नेक्स्ट आप देखेंगे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है ये किन के नाम पे बनाया गया है किनके नाम पे मोपा का नाम रखा गया है जल्दी से बताएंगे ये भी कमेंट सेक्शन में एवरी वन लक्ष्मी नारायण क्या कर रहे हो यार मनोहर पाड़कर बिल्कुल बात सही है मनोहर पाड़कर के नाम पे रखा गया है सिक्स वंदे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चला है किस किस जगह के बीच चला है जल्दी से बताएंगे ये भी कमेंट सेक्शन में एवरी वन हम्म हम्म ठीक है ठीक है ठीक है बिलासपुर और नागपुर के बीच में चला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज मिशन के बारे में पूछा जा रहा है आपने बताना है कि इन विच स्टेट हैज़ बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन अपना भाई खुद का बनाएगा ये न्यूज सेंटर पे भरोसा नहीं है तो ये तमिलनाडु है ठीक है नेक्स्ट ट्यूबर क्लासेस कंट्रोल प्रोग्राम ट्यूबर क्लासेज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा अवार्ड मिला है किस स्टेट को मिला है ये अवार्ड कि टीबी तो ये मिटा ही दिए जड़ से ठीक है तो ये है आपके मेघालय नेक्स्ट देखेंगे बी डब्ल्यू एफ बैडमिंटन के लिए अवार्ड मिला है ये टोर फाइनल जीत चुके हैं एकदम बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं इनका नाम क्या है जल्दी से बताओ यार कोई भी एक स्टूडेंट जैसे कि अमित का आंसर आ गया है सही आंसर बताएंगे एडवेल का आ गया है रोहित का आ गया है विक्टर एक्सेलसन ये जीत चुके हैं जब वो बता रहे हैं तो तुम्हारा नेट स्लो है तब तुम लेट आंसर बता रहे हो क्या हो गया ठीक है नेक्स्ट देखेंगे बी डब्ल्यू एफ फीमेल पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर कौन बनी है इनका नाम क्या है इनका नाम है मनीषा रामदास ठीक है फर्स्ट टास्क का मीटिंग हो रहा है और यह मीटिंग कहां पे हो रहा है यह बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में एवरीवन यस द मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड इन बेंगलुरु बेंगलुरु ट्वेंटी फिफ्थ सी आई ई एस नेशंस एमिनेंस अवार्ड ठीक है ये अवार्ड दिया गया है एम वेंकैया नायडू द्वारा हु हैज रिसीव्ड तो रिसीव्ड इनको मिला है दिया नहीं गया है इनको मिला है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन आयुष्मान भारत इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाला है जम्मू कश्मीर अगला क्वेश्चन है कि पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ ओ इंतरिम सी यानी कि कुछ समय के लिए बनाए गए हैं इंडिया के इंडियन ओरिजिन के हैं इंडियन ओरिजिन के हम लोग अपना ही मानते हैं निहार मालवीय है, इनका नाम है नेक्स्ट देखेंगे फिटाटेनी एज फिट एट एनी एज तो ये फिट एट एनी एज किताब लिखी गई है और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है जो कि खुद अभी 92 नाइनटी टू ईयर्स में फिट हैं किताब लिख रहे हैं तो सही बात है लिखना चाहिए इनको पी वी अयर इनका नाम है सुल्तान अ मेमो आयर सुल्तान अ मेमो यानी कि एक किताब लिखी गई है अपने कहानी पे अपने यादों पे इन्होंने किताब लिखी है यह है वसीम अकरम नेक्स्ट क्वेश्चन हुरॉन ग्लोबल 500 लिस्ट के मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में भारत के कितनी कंपनीज हैं पांच कंपनी है ठीक है पहला न्यूट्रल फार्म न्यूट्रल फार्म कार्बन न्यूट्रल फार्म या जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये देगा उतना ही ऑब्जर्व भी कर लेगा ये आपका कहाँ खुला है केरला में खुला है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गया है पंजी के अलावा भी गोवा में खुला है सही बात है फोर्थ बिजनेस जेट टर्मिनल हैज बीन कमीशनड फोर्थ बिजनेस जेड टर्मिनल कमीशन किया गया है अब आपने बताना है यह किया गया है केरला में अगला है सीएम कौन बने हिमाचल प्रदेश के ठीक है अभी गुजरात के तो आपको पता है भूपेंद्र पटेल हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्कू नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार क्या हो गया गाईज वेकअप व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरी मराठी लवानी मराठी लवानी सिंगर है

टीवी एक्टर देव जोशी ये एक कर रहे हैं फॉर अ ट्रिप अराउंड मून किसके साथ तो यूसाकू मैजावा के साथ ठीक है फर्स्ट फेज मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे का चल रहा है ये कहाँ पे किसने इनाग्रेट किया इनोग्रेट करने के लिए मोदी जी हैं खुद ही सक्षम पी एम तो कॉम्प्रिहेंसिव एनी एनी नैटल केयर ये गवर्नमेंट दे रहा है कितनी गर्भवती महिलाओं को तो ये यहाँ पे तीन करोड़ साठ लाख है लेकिन उन्नीस साल से ऊपर होनी चाहिए अपना ही रूल थोड़ी क्लैश करेगा कि अठारह साल के पहले शादी नहीं होना चाहिए ठीक है आम आदमी पार्टी ये नेशनल पार्टी बन गया है ये नेशनल पार्टी अपना कितने कितना वा है नाइन्थ है नाइन्थ ठीक है आठ ऑलरेडी है हमारे पास फिर आप देखेंगे हजार खेलो खेलो इंडिया सेंटर्स ये अनुराग ठाकुर जी ने इनाग्रेट किया है अगस्त 2023 15 तारीख तक हम 15 अगस्त तक हमारा हो जाएगा हजार गव, कर्नाटका गवर्नमेंट ने सलाम आरती का नाम बदल दिया है कि सलाम आरती नहीं नमस्कार रखिए नाम ठीक है डॉन अवार्ड दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में किसको दिया गया आश्ले बाटी को दिया गया है जापान ब्रिटेन और कौन सा कंट्री सिक्स जनरेशन फाइटर जेट लेकर आया है ये कंट्री है इटली टेम्पेस्ट नाम है इसका आई दिल्ली ऑर्गेनाइज किया है फोर्थ एडिशन ऑफ इंडस्ट्री डे ये इंडस्ट्री डे कब है दस दिसंबर को है नोबल प्राइज दिवस कब होता है दस दिसंबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब होता है बारह दिसंबर को होता है और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है इसके अलावा आपको पता है कि अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए अभी टाइम है हम पढ़ाने के लिए रेडी हैं पूरी टीम रेडी है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है चाहे आप सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ आई टी बी पी असम राइफल बी एस एफ अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो डिफेंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन आपके लिए लेकर आए सारे अल्टीमेट कोर्सेज साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ और ई बुक्स और अगर आप एस एस सी जे uh, मींस या प्री अगले साल का और बाकी ओ एस एस सी जे जे के जे के जेई चल रहा है है ना जम्मू कश्मीर का चल रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू पी एस सी जेई चल रहा है कितना कितना नाम याद रखना पड़ता हमको तो ये सब जो है ये इंजीनियरिंग के महापैक में भी है और ऑलरेडी इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं ए आई का वैकेंसी आ चुका है देखो वैकेंसी है इस ठीक है पढ़ाई करने के लिए हम लोग आपके पास हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है क्योंकि आपको पता है मेन मकसद यही है कि सबसे कम दाम में हम लोग मतलब पैसा शुड नॉट बी अ रीजन कि इसका नहीं हुआ दो तीन हजार रुपये जुगाड़ कर लेना तुम नहीं है तो फिर कॉन्टैक्ट नहीं ठीक है और किसी तरह बस कोर्स में आ जाओ पढ़ाई शुरू कर दो अब ये उसके बाद कंप्लेनिंग नहीं चाहिए कि मैम ये हो गया ये हो गया लेकिन ये नहीं हुआ वो ये जो नहीं हुआ वो तुम करो है ना हम लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे है, फ्री में हो रहा है पेड में थोड़ा और उसको थियोरिटिकल वे में थोड़ा कंसेप्चुअल वे में पढ़ाया जाता है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है टेस्ट बनाइए टाइम मैनेज कीजिए है ना करियर ओरिएंटेड काम कीजिए डेविएट मत होइए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का बहुत समय मिलेगा शॉर्ट्स देखने के लिए भी ऑफिस में बैठ के देखते रहना ना, ना यार पहले ऑफिस ले लो ठीक है और जितना भी फालतूगिरी तुम कर रहे हो जिंदगी में दूसरे का प्रॉब्लम तुमको लग रहा है वो सब छोड़ दीजिए आज से पाँच साल बाद जो चीज़ आपके ज़िंदगी में मायने नहीं रखेगी उसको आज छोड़िए आज अभी छोड़िए ठीक है तो इसके लिए आप बैचेस में आ सकते हैं बैचेस में आने का तरीका बड़ा सिंपल है एक तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल कर लो ठीक है नहीं तो फिर आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन यहाँ पे गूगल में डायल कीजिए वेबसाइट पे जाइए ऑल कोर्सेज में आपने जाना है ऑल कोर्सेज में जैसे आप क्लिक करते हैं सब आपके सामने आ जाएगा ठीक है अब जिस भी एग्जाम की यार तुम बैंक एस एस सी रेलवे यू पी एस सी डिफेंस एग्रीकल्चर एफ एस आई रेगुलेटरी बॉडी स्टेट एग्जाम इंजीनियरिंग एग्जाम यू जी सी एग्ज़ाम के ट्वेल्व एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं अब जैसे डिफेंस में हम सी डी एस की तैयारी कर रहे हैं ठीक है हम डिफेंस पे क्लिक किए हम सी डी एस पे क्लिक किए ठीक है सी डी एस में हमको दिखा ओ टी ए भी है और आई एम ए भी है ये दोनों रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी के लिए सिलेक्शन वाला बैच ये आपका एस के लिए एस एस क्रैक का बैच और ये कॉम्बो बैच है ऑफिसर्स बैच है जिसमें ये भी है और ये भी है तो आप इस पे आ सकते हैं ओ टी आई का बैचेस है मान लीजिए हम आई में है हमको मैथ्स भी देना है इंग्लिश जी और मैथ्स तो हमने यहाँ पे व्यू ऑफर्स में गए हम और यहाँ पे हम कोड यूज कर लिए वाई थ्री थ्री टू इतना देर में तुमको पता ही है ठीक है पच्चीस सौ पचहत्तर रुपये में तुमको ये बैच मिल गया हो गया सिंपल काम खत्म ठीक है तो यहां पे डिफेंस में गए आप और डिफेंस में आपको बाकी सारे एफ कैट अग्निवीर जितने भी बैचेस हैं कोड आपको पता है वाई थ्री थ्री टू हो जाएंगे कट्टिस कर लो कोड यूज वाई तीन सौ बत्तीस तो ये हम कल बनाए बहुत बेकार ठीक और बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आप आ सकते हैं एस एस सी जेई ए ए आई ओ एस एस सी जेई ठीक है पीडीएफ बच्चे दे देंगे ठीक है आज आज हम डाल देंगे ठीक <laughs> है मेरा नाम कविर श्रेय रहोगी तुमसे तो हम पेड़ में भी कल दिन में भी बात कर लिए शाम में भी बात कर लिए दिन में आप काम करते हैं शाम में आप आराम से बैठिए जो टीवी देखने का आप प्रोग्राम बना रहे थे वो भी हम देखें मैकेनिकल क्वीन तुम्हारा कमेंट भी देख रहे हैं सब का कमेंट देख रहे हैं बच्चे ठीक है तो यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग का है इंजीनियरिंग में देखो एस एस सी जेई की तैयारी कर लो तो वो कर लो लेकिन इंजीनियरिंग में हम रिकमेंड करेंगे या डिफेंस में भी रिकमेंड करेंगे कि महापैक बेस्ट है महापैक में ना देखो तुमको सब मिल जाएगा तुमको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा ई बुक्स मिल जाएगा तो किसी तरह बस एक बार महापैक ले लीजिए हम सही बता रहे हैं साल भर का सारा काम हो जाएगा मान लीजिए छः महीने का ही लेते हैं अगर आप आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल में किया है सिविल में किया है मैकेनिकल में किया है जिसमें भी किया आपने ये सताईस सौ उनसठ रुपये का आजकल हम सीख रहे हैं फिफ्टी नाइन का इंग्लिश उनसठ सिक्सटी नाइन का उन उनहत्तर तो उतने रुपये का आपको मिल जाएगा ठीक है और बाकी अगर लग रहा है कि नहीं मैम मेरे को एस एस सी जेई करना है तो एस एस सी जेई के बैचेस देखिए सबका आ गया है मैकेनिकल का आ गया है इलेक्ट्रिकल का आ गया है सिविल का आ गया है सबका फाउंडेशन बैचेस आ गया है इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी है इसके अलावा ये आपके वीडियो कोर्सेज़ हैं यहाँ पे ई बुक्स आपको दिख रहा है सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है महापैक में तो सब है अगर अलग से लेना चाहते हैं तो अलग से आप कोर्स ले सकते हैं जैसे आपने सिविल में किया हुआ है डिप्लोमा या बी और एस एस को कल अगले साल निकालना ही निकालना है किसी भी हाल में तो ये अट्ठाईस ये एक साल का है ठीक है छः महीने का भी है एक साल का भी है तो ये टू एट सेवन फोर रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाएगा ठीक हाँ एस एस सी चाहिए तो गाइज अगले तो साल करना ही करना है ओके गाइज तो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर सेशन ठीक कल आ, शायद मेरी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि हम रहेंगे ट्रेन में तो आई एम सॉरी फॉर इट उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर दिस सेशन और कोई भी दिक्कत होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जय हिंद थैंक यू